निश्चय ने भी क्षेत्रव्यूह को विषय बनाता है। पंडित जी बराबर, विभार ने भी क्षेत्रव्यूह को विषय बनाता है। एक भी ने द्रव्यों के विषय से भिन्न नहीं है, परंतु दोनों की कार्य प्रणाली भिन्न है। पार्षद है, मेंबर है, सरपंच है, अध्यक्ष है नगरपालिका, फिर विधायक, मंत्री, सांसद, ऊपर जाते रहो, पर इन सब का काम मात्र मात्र देश की सेवा करना है। काम क्या है? देश की सेवा करना। ईमानदार लोगों की बात कर रहा हूं। पद बेरीमान नहीं होते भाई, मत मुस्कुरा। पद बेरीमान नहीं होते, पदस्थ आदमी को देखो कैसा है। पद तो पद है, विवस्ता है। आइए, तो मां सत्ता आवंतर सत्ता, निश्चय ने विभार ने, निश्चय ने विभार ने, शुद्ध संग्रह ने अशुद्ध संग्रह ने, और सादृश असत्तो स्रोपस्तत्व, त्रियक सामान्य उर्ता सामान्य, त्रियक सामान्य उर्ता सामान्य। अब ये जो व्याख्यान है ये आपके लिए अध्ययन कराने वाला है, ये व्याख्यान है आपको ज्ञान देने वाला, ये व्याख्यान है आपकी प्रज्ञा को विशालता देने वाला है। दो भूमिका तुम्हारे सामने आके खड़ी हो गई। अब माना कि कोई जीव एक कहता कि नहीं, मैं तो निश्चय को मानता हूं मात्र, एक कहता मैं तो मात्र विभार को मानता हूं मात्र, आप दोनों ही अपनी भुजाओं को अलग करवा रहे हो। वो ऐसे हो जाओगे ही, तुमको खाना खाने को भी नहीं मिलेगा, सोचने को भी नहीं मिलेगा, सोचने को भी नहीं मिलेगा। दाई भुजा जाएगी तो तेरे हाथ कटेगा, बाई भुजा जाएगी तो तेरा हाथ कटेगा, और तू ऐसे ही रह जाएगा, फिर बैठा रहना भाई। निश्चय ने एक भुजा, विभार ने एक भुजा, दोनों प्रतिपक्ष भूत हैं, फिर भी दोनों मेरे शरीर के अंग हैं। इसी प्रकार से निश्चय विभार दोनों प्रतिपक्ष होने पर भी फिर भी द्वाह सांग का विषय बताने वाले हैं। ऐसा राकेश पंडित जी को सारे श्रोताओं को समझाना चाहिए। ऐसा विद्वानों को समझाना चाहिए। पुनः आइए, विद्वान को राष्ट्रपति बन के रहना चाहिए। राष्ट्रपति प्रकाश मोदी जी कौन सी पार्टी का होता है? राष्ट्रपति बनने के उपरांत वो व्यक्ति कौन सी पार्टी का होता है? बस मंत्रीगण पार्टी वाले हो सकते हैं, पर राष्ट्रपति के लिए तेरा नाम राष्ट्रपति है न कि पार्टीपति है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। राष्ट्रपति राष्ट्रपति है कि पार्टीपति है? पार्टीपति वाले अपनी पार्टी को देखेंगे और राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र को देखेगा। ऐसे ज्ञानी जनों को ये निश्चय एक पार्टी है, विभार एक पार्टी है, पर निश्चय विभार का ज्ञाता राष्ट्रपति होता है। उसको जितना लक्ष्य निश्चय रखना, निश्चय पर रखना चाहिए, उतना ही लक्ष्य विभार पर रखना चाहिए, और उसको काम कराने की क्षमता होना चाहिए। हम निश्चय ने को विभार ने को राजा नहीं बनने देंगे। वो आप लोग निश्चय विभार ने को राजा बना रहे हो, इसलिए तुम समाज में टुकड़े करा रहे हो। पंडित जी सुनना, निश्चय ने और विभार ने को राजा बना रहे हो, इसलिए आप मालूम जिनसे काम कराना चाहिए था, जिनसे काम लेना चाहिए था, उन्हें स्वामी बना रहे हो। मेरे मित्र, हमारे लिए सम्राट तो आत्मा मात्र, आत्मा उसका कार मोक्ष है, निश्चय विभार तो कार करता है।
नहीं क्या है, कार्यकर्ता है। इन कार्यकर्ताओं को उतनी महत्व दो जितना देना चाहिए। अंतिम निर्णय क्या होगा? मुक्तानि पक्षपातम सुबलीन संकल्प जालम श्रुगुप्ताम निवसंति नित्यम तेव साक्षात मूर्तम पिबंती। मुक्तानि पक्षपातम, जैसे चुनाव हो जाते हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन चुके होते हैं, मेरे बेचारे कार्यकर्ता सब अपने घरों में जाके शांति से बैठ जाते, फिर कोई नहीं पूछता। वो कार्यकर्ताओं को तब तक बिल्कुल लगाए रखते हैं, बोले हमारी पार्टी कार्यकर्ता, हमारी पार्टी डंडे खाएं तो कार्यकर्ता बेचारे, वो माला पढ़े तो मंत्री को। ऐसे निश्चय रत्नात्रे विभार रत्नात्रे, ये दोनों हैं कार्यकर्ता, और राजा है मालूम आत्मा। मोक्ष मिल जाएगा आनंद से लूटेंगे, वो वहां सिद्ध सलाह पर कभी भी नहीं पूछने वाली आत्मा कि निश्चय ने वो कहां गया, विवाह ने कहां गया, निश्चय रत्नात्रय कहां गया, विवाह रत्नात्रय क्या, वे तो बन गए राजा, कार्यकर्ता वहीं रह गए। और बोलू मित्र, सम्मेलन शिखर में भगवान चंदापुरु स्वामी के जिनाले के सामने लाल मंदिर में सम्मेलन शिखर में बिल्कुल गेट के सामने एक केले का पौधा लगा हुआ था, निश्चय याद है तुझे। तो उस केले में मोदी जी एक फूल आ गया, खूब लम्बा फूल आया। तब तक सुहावना लोग देखते रहे फूल फूल फूल, और जैसे उसमें फल आए छोटे 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 छोटे, बेचारा फूल टपकता गया, फूल टपकता गया, वो मालूम साम्राज्य पूरे वृक्ष पर केलों का हो गया, फलों का, और फूल टपक के समाप्त हो गया। ऐसे ज्ञानियों, निश्चय व्यवहार की परिणति तुम्हारी समाप्त हो जाएगी फूल जैसी, और मोक्ष का फल मिल जाएगा, वो निश्चय व्यवहार दोनों टपक जाएंगे। मुझे तो घोर आश्चर्य लगता है, ये बेचारे ज्ञानी जन टपकने वाली पर इतना क्यों लड़ते रहते हैं। फूल आना आवश्यक है, अनिवार्य है, उसके ना फल नहीं आ सकते। फूल आना अनिवार्य है, उसके ना फल नहीं आएंगे, लेकिन फल आने के बाद फूल का कोई स्थान नहीं है। ऐसे मोक्ष होने के बाद मेरे मित्र भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। जिस भव्यत्व को कहलवाने के लिए तुम रो रहे थे, तड़प रहे थे, उस भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। ये भव्यत्व भाव मालूम कोठारी जी कैसा होता है? भव्यत्व भाव ऐसा है जैसे कि शादी होने के पूर्व दूल्हा के सिर पर मोर रखा जाता, मोर मुकुट, मोर मोर मुकुट मत बोलो, मोर मोर, तो वो मोर रखा जाता है, और जैसे सात फेरे पड़े मालूम मुकुट उतर जाता है, और ये माता बहनें जा करके तालाब में सिरा के आ जाती। कार्य परे कछु और है, कार्य परे कछु और है, काज सरे कछु और। पंडित जी संजय भाई, कार्य पड़े कुछ और है, और कार्य सरे तो कुछ और। भामर पड़े, भामर पड़े पंडित जी, भामर पड़े नदी श्रावत मोर। जैसे भावरे पड़े और ये माताएं मिलजुल करके गाजे बाजे के साथ उस मोर को नदी में सिरा के आ गई। जाओ परमेश्वरी, अब तुम हो गया काम, हमारे घर में बहू आ गई, तुम जाओ। ऐसी ये निश्चय ने विवाह ने सब मोर है मोर। जैसी आत्मा परम विशुद्ध केवल ज्ञान दर्शन से होकर के निर्वाण को प्राप्त करेगी, सारे के सारे मोर समाप्त हो जाएंगे। इसलिए साधनों को साधन तक देखो, ध्यान का लक्ष्य बनाइए, ध्यान कीजिए, पर ध्यान के राग में भी दुर्ध्यान मत कीजिए। लोगों को रहस्य का ज्ञान नहीं है, तन्मय भी ध्यान कर रहे हैं, नसें फटी जा रही हैं, शरीर टूटा जा रहा है,
ओहो, आनंद कंद ज्ञान घन भगवान आत्मा का आनंद लेना, तो ध्यान को समरसित कीजिए आप। ध्यान करने की कोशिश मत करो, दुर्ध्यान से बच जाइए। ध्यान करने की कोशिश मत करो, दुर्ध्यान से बच जाना चाहिए। दुर्ध्यान से बचने की कोशिश मत करो, शुभ ध्यान में लग जाना चाहिए। सहज जीवन जैसे हमने कहा बोला सहज जीवन, हमारे पीयूष प्रतिष्ठाचार्य जी बस सहज जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। असहज जीवन की कला सहज जीवन कभी नहीं हो सकती। सहज जीवन, सुमित भाई ने दाढ़ी बढ़ा ली है गुरुजी, सहज जीवन, ये बाल बढ़ाने से सहज जीवन मिलता होता ना, तो जितने रीस जंगल में भालू बंदर घूम रहे हैं ना, बड़े बड़े बाल रखा है, सब सहज जीवन में चले जाएंगे। इसलिए जितनी जगत की माता हैं, इनकी बड़ी बड़ी चोटियां होती हैं, सबके सहज जीवन है। इसलिए ये मैं नाम जान के ले रहा हूं सुमित आपका, दाढ़ी बढ़ाने से कोई योगी नहीं हो जाता है, दाढ़ी बढ़ाने से ध्यान ही नहीं हो जाता है। ये तो ठीक है, शरीर की प्रक्रिया आपने बढ़ा ले बाल, ध्यान ध्यान ज्ञान में ज्ञान को डूब जाना, इसका नाम ध्यान है। ज्ञान में ज्ञान को डुबो देना, जामन का क्या काम है, जामन का क्या काम है, कुछ नहीं, दूध को दूध में स्थिर कर देना। जामन का क्या काम मां, दूध को दूध में स्थिर कर देना, दुग्ध को दुग्ध में स्थिर कर दिया, उसका नाम हो गया दही, उसका नाम हो गया दही। ऐसे ज्ञान में ज्ञान को स्थिर कर देना, उसका नाम हो गया ध्यान। कितने पुण्यात्मा जीव हो आप, ऐसे मोटे मोटे बड़े बड़े ग्रंथ तुमको पढ़ना पड़े तभी विषय तुम्हारे सामने आता। यहां तुम सुन रहे ना, ये जो मैं कह रहा हूं सारी व्याख्या शास्त्रों में लिखी रखी हुई है। जहां चित्त का निरोध ध्यान लिखा है वहां स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र में चित्त का निरोध ध्यान लिखा है, वहां प्रश्न खड़ा किया गया है, चित्त का ध्यान जो निरोध करना ध्यान है वो एक देश ध्यान है। सुनिए ध्यान से आप, अब हमने आपसे कहा सुनिए ध्यान से आप, ये ध्यान नहीं है, ये उपयोग को स्थिर करने के लिए कह रहा हूं। तो चित्त का निरोध करना ध्यान है, लवकुश से एक देश परिभाषा जाती है, जैसे लेस्या की परिभाषा एक देश जाती है, कसाय अनुरित अनुरंजित, कसाय अनुरित अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेस्या, ऐसा सर्वास्थि में लिखा है, कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेस्या, कसायों से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति का नाम लेस्या है। और यो लेस्या की परिभाषा है वो एक देश जा रही है। अब प्रश्न तो क्या कसाय रहित जीवों में लेसा नहीं है क्या, है। ये परिभाषा आपकी दसवें गुणस्थान तक जाएगी, दसवें गुणस्थान के बाद योग प्रवृत्ति लेसा, और लेसा स्थान कहां तक है, लेसा स्थान कहां तक है, तेरहवें गुणस्थान तक लेसा स्थान, जब तक योग है तब तक लेसा, वह योग प्रवृत्ति लेस्या। इसके उपरांत जैसे लेस्या को आपने जाके बदलना पड़ गया, बदलना पड़ा ना, इसी प्रकार से ध्यान की परिभाषा तुमको बदलना पड़ेगी तेरहवें गुणस्थान में। कैसे बदलेंगे उसे सुनिए, चित्त का निरोध ध्यान है, चित्त का एकाग्र होना ध्यान है, ये चित्त तो मात्र बारहवें गुणस्थान तक ही होता है। जहां मन का अभाव हो गया, चित्त का अभाव हो गया, ध्यान का अभाव हो गया क्या, नहीं, ध्यान का अभाव नहीं हुआ, वहां ज्ञान की ज्ञान में लीनता ही ध्यान है। ये परिभाषा प्रारंभ हो गई। अब यथार्थ में
जहाँ चित्त था वहाँ पर भी यथार्थ में ज्ञान में ही ज्ञान को लीन किया जा रहा था। पुनः एक प्रश्न है कि आपने प्रश्न किया 13वें गुणस्थान में 14वें गुणस्थान में चित्त नहीं है तो ध्यान कैसे होगा, चित्त नहीं है तो ध्यान कैसे होगा। तो फिर एक आचार्य भगवंत का कहना है उपचार से ध्यान है, उपचार से ध्यान है। लेकिन जब ज्ञान में ज्ञान की लीनता को ध्यान कहा तो आचार्य विद्यानंद स्वामी श्लोक वार्तिक ग्रंथ में लिखते हैं, ग्रंथ का नाम लिख लीजिए शीघ्र, श्लोक वार्तिक ग्रंथ में लिखते हैं। मालूम जब आप हार्दिक बोलोगे श्लोक वार्तिक में लिखते हैं लोग तो वैसे ही घबरा जाएंगे, बोले इतना ज्ञानी जीव है यहाँ पर। मित्र ये बोलने के साथ ध्यान रखना, हो सकता कोई श्लोक वार्तिक लेके आया है, कभी ये विषय समझा था ना श्लोक वार्तिक का, फिर तुम्हें कहना पड़ेगा तो गुरु जी ने कहा था, उतना प्रमाण मुझे मालूम है। मालूम तो श्लोक वार्तिक में लिखा हुआ है विद्यानंद स्वामी ने, यथार्थ में शुद्ध ध्यान तो केवल ज्ञानी की होता है, शेष में तो उपचार ध्यान है। क्योंकि शेष में इंद्रिय मन की सहायता से ध्यान हो रहा था, वहाँ शुद्ध ज्ञान की लीनता नहीं थी। केवल ज्ञान में कोई इंद्रिय नहीं है, मन नहीं है, इसलिए शुद्ध ज्ञान का ज्ञान में जो अवस्थान है वो ध्यान है, वो तो मुख्य ध्यान 13वें 14वें गुणस्थान में ही होता है। ऐसा व्याख्यान आचार्य विद्यानंद स्वामी ने श्लोक वार्तिक ग्रंथराज में किया है। ऐसे जिनवाणी के गुण रहस्य। अब आप प्रश्न यहां ये करो, आज आप ध्यान की व्याख्या क्यों कर रहे हो? क्योंकि यह आचार्य भगवंत योगेंद्र स्वामी कह रहे हैं भक्ति का मार्ग स्वर्ग जाने का मार्ग है, भक्ति का मार्ग विषय कषाय से बचने का मार्ग है, सामयिक प्रतिकरण आपके साधना का मार्ग है, प्रतिख्यान साधना का मार्ग है, स्थिति वंदना साधना का मार्ग है, लेकिन सीधा निर्वाण का मार्ग ध्यान है। कल हमने आपको गाथा भी सुनाई थी,